दोस्तों हाल ही के एक इंटरव्यू में ऐसा देखा गया कि वंदे भारत के कलर के साथ कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं और जो कलर अच्छी लग रही है उसी कलर को लेकर विचार किया जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस लाने की, जहां आपने हाल ही में देखा कि सफेद वंदे भारत के बाद अब केसरिया यानी नारंगी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस भी आ चुकी है। हालांकि इस वंदे भारत एक्सप्रेस के कलर को लेकर काफी सारे विवाद किए गए थे। ऐसा कहा गया था कि अपनी राजनीतिक प्रक्रिया चमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कमी को दूर करते हुए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग न्यू ट्रेन्स व्हिच आर गोइंग टू केटर टू पैसेंजर्स फॉर द अनरिजर्व्ड एंड जनरल। उन्होंने बताया कि कलर की विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही वंदे भारत की केसरे यानी नारंगी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस लाई गई है। साथ ही ऐसे लीक निकल के सामने भी आ चुकी है कि केसरिया के बाद अब गुलाबी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस लाने को ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बता दें कि पूर्वोत्तर भारत ने वंदे भारत के सर्वे को लेकर एक टीम गठित किया था और उनके टीम द्वारा किए गए सवालों पे यात्रियों की प्रतिक्रिया दर्ज की गई है, जैसे कि यात्री कहां कहां सफर करते हैं, वे व्यावसायिक है या फिर स्टूडेंट है। और ऐसी खबर निकल के सामने आई है यात्रियों की कि यात्रियों का कहना है कि सुविधा तो वंदे भारत की लाजवाब है, लेकिन गोरखपुर से लखनऊ तक 4 घंटे तक की यात्रा में जेब ढीली हो जाती है और शायद यही वजह है कि वहाँ ट्रैफिक थोड़ी कम भी हो चुकी थी। साथ ही लोगों ने गोरखपुर से दिल्ली के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड कर दी है। और ऐसी खबर निकल के सामने आ चुकी है कि स्लीपर वंदे भारत का संचालन मार्च या अप्रैल तक कर ही दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है कि अगले साल गोरखपुर से दिल्ली के बीच पिंक यानी गुलाबी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस लाने की कोशिश की जा रही है। और रेलवे का लक्ष्य वर्ष 2027 तक कम से कम 8 कोच वाली 400 वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी करने की है। बाकी ये सब तभी सच हो पाएगा जब आधिकारिक पुष्टि के साथ इससे मुहर लग जाएगी। तो आने वाली खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।